नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। ट्रेड वॉर अपने जेनिथ पर पहुंच चुकी है। यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ्स की जंग चल रही है और इस टैरिफ की जंग में किस तरीके से इंडिया को फायदा मिलेगा ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं इन सब एग्जाम्स के लिए, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyiq.com पे। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए ने 2018 के सितंबर महीने में चाइना पर, चाइनीज कंपनीज पर रैदर $200 बिलियन वर्थ के टैरिफ लगा दिए हैं। मतलब कि बहुत सारी जो चाइनीज कंपनीज करीब $200 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करती थी टू यूएस मार्केट, बहुत ही जो लुक्रेटिव, बहुत ही विशाल यूएस मार्केट है जहां पे हर कोई बिजनेस करना चाहता है, काफ़ी मुनाफा होता है वहां पे, वहां पे उन पर टैरिफ लगा दिए गए हैं। मतलब कि चाइनीज कंपनीज को यहां पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। टोटल अगर हम देखें तो यहां पर यूएसए ने अब तक 2018 के सितंबर महीने तक $250 बिलियन के टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं चाइना पर, और ये माना जा रहा है कि सितंबर के अंत तक इस पर कुछ आप 10% का इंक्रीज भी दे सकते हैं। यूएसए अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पे स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रहा, जो भी यूएसए के पास यहाँ पे रूम है, जो भी पावर है, जहाँ भी वो टैरिफ लगा सकता है वो लगा रहा है और चाइनीज कंपनीज को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके रिस्पॉन्स में जो चाइना के टैरिफ हैं वो बहुत ही मेजर्ड हैं, काफ़ी कम हैं। यूएसए ने 200 बिलियन के लगा दिए तो उसके रिस्पॉन्स पे चाइना ने सिर्फ $50 बिलियन के टैरिफ लगाए हैं। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, चाइना नहीं चाहता कि ये ट्रेड वॉर आगे एस्केलेट हो और वो यूएसए को अभी भी पीछे हटने का रूम देना चाहता है। मगर यूएसए अंडर डोनाल्ड ट्रंप मैं देख रहा हूँ कि दे आर गोइंग वेरी अग्रेसिवली फॉरवर्ड। और यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मान लो कोई चाइनीज कंपनी है वो यूएसए में सपोज कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचती है जो $100 का था, तो यहाँ पर जो टोटल, जो हम कह रहे हैं ना $200 बिलियन, ये ऐसा नहीं है कि टोटल एक अमाउंट के टैरिफ लगा दिए। मतलब कि इतने सारे जो गुड्स जो इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर करते थे, करीब $200 बिलियन की मार्केट को कैप्चर करते थे, इतना एक्सपोर्ट होता था वो, वहाँ पर इन्होंने टैरिफ लगाए हैं। तो पहले जो चीज़ अगर चाइनीज़ चीज़ यहाँ पे यूएस की मार्केट में $100 की थी, अब हो सकता है कि वो 120 या 130 की भी हो जाए। इससे ऑब्वियस ही बात है काफ़ी लोड पड़ेगा यूएस की जनता पर अगर उनको वो चाइनीज़ इक्विपमेंट खरीदना ही खरीदना है, या फिर वो ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि चाइनीज़ इक्विपमेंट ना खरीदे, वो इंडोनेशियन या ब्राज़ीलियन या मैक्सिकन इक्विपमेंट खरीद ले, दैट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो बेसिकली चाइनीज़ कंपनीज़ को यहाँ पे लॉस हो रहा है। और सिमिलरली जो यूएस प्रोडक्ट्स अब चाइना में बिकेंगे, बहुत सारे, सारे नहीं मगर काफ़ी सारे जो यूएस प्रोडक्ट्स चाइना में बिकेंगे वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। जब महंगे होंगे तो चाइना की जो बहुत ही बड़ी मिडिल क्लास है उसको खरीदना नहीं पसंद करेगी। सो ये प्रॉब्लम आज के टाइम में खड़ी है। अब चाइना ने इंटरेस्टिंगली इनफ एक टारगेट बनाया है कि अगर यूएस इसके बाद इन टैरिफ को और बढ़ाता है तो हम अपने टैरिफ जो यूएसए पर लगा रखे हैं चाइना ने, इसको 130 बिलियन तक ले जाएंगे। ये इनका मैक्सिमम टारगेट है। अब ये जो नंबर है 130 बिलियन, ये याद रखना, ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप अगर सोचेंगे कि चाइना के पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स अब बचे हैं जिस पर चाइना अब यहाँ पे टैरिफ लगा भी सकता है, तो यहाँ पे आप गलत हैं। बीजिंग के पास एक, अभी मैं कहूँगा, ट्रंप कार्ड बचा हुआ है। बहुत ही मुश्किल ट्रंप कार्ड है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होगा बहुत बड़ा होगा और उसके बाद यूएसए क्या करता है, उनका रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में चाइना आई थिंक श्योर है नहीं। मगर एक काम चाइना ये कर सकता है कि एप्पल और बोइंग जो बहुत ही बड़ा बिजनेस फैला चुके हैं चाइना में, यहाँ पर इन पर भारी टैरिफ लगा के इनका बिजनेस इरोड कर सकता है चाइना में। इससे ऑफकोर्स चाइना हर्ट तो करेगा यूएसए पर, मगर यहाँ पे बेसिकली चाइना क्या करेगा, जो भी लीवरेज थी चाइना के पास यूएसए पर वो हटा देगा। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड वॉर है बहुत ही अगली हो जाए और इससे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को भी काफ़ी हद तक लॉस होना स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पर इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि जहाँ पर चाइना टैरिफ लगा रहा है और यूएसए को अपनी मार्केट से दूर कर रहा है, टैरिफ से बेसिकली यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनको दूर कर रहा है, उनकी जो फार्मर्स हैं उनको पीछे हटा रहा है, वहाँ पर इंडिया एंटर कर सकता है। और यहाँ पर जो एक स्पेस खाली होगा, एक बहुत ही बड़ी जगह खाली होगी करीब $130 बिलियन के टोटल बिजनेस की, बहुत ही बड़ी राशि है ये। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 बिलियन आज के टाइम में जो ये एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके हिसाब से 7,200 करोड़ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर टोटल जो सारा ये 130 बिलियन है वो सारी मार्केट इंडिया कैप्चर कर लेगा, मगर इसका अगर मान लो इंडिया 20-30% भी कैप्चर कर लेता है तो लाखों करोड़ों रुपए में
इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और ये इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे और एक बहुत ही कमाल की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी। शायद पिछले 50 साल में ऐसी इंटीग्रेशन ना हुई हो, जो यहाँ पर अगर इंडिया ये 130 बिलियन का कुछ चंक, मैं ये नहीं कह रहा सारा, बस 20-30% भी अपने पास ले लेता है, तो दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर इंडिया को एक मौका मिलता है चाइना के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने का। ट्रेड डेफिसिट मतलब, देखो इंडिया चाइना जब ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है मटेरियल वर्थ ये 86,015 करोड़, ठीक है, इतना हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना हमको एक्सपोर्ट करता है 4,491,000 करोड़ रुपीज़। मतलब कि कम शब्दों में ये समझ लो कि जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच में, ये करीब 4,00,000 करोड़ का है। तो यहाँ पर जो वो 130 बिलियन डॉलर की जो मैंने आपको मैजिकल फिगर बताई है, उसमें से अगर मान लो हम 20-30% भी एक्वायर कर लेते हैं, तो आराम से इंडिया को यहाँ पे 3,00,000 या 3,50,000 करोड़ रुपये का एक एज मिल जाएगा। ट्रेड डेफिसिट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, फिर भी कुछ हद तक बहुत ही मिनिस्क्यूअल रूप में चाइना के फेवर में होगा, मगर यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ को, इंडियन बिजनेसेस को बहुत सारा बिजनेस मिल सकता है और इंडिया में नौकरी भी बन सकती है इससे, एंड इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इसलिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु जी, इसको लेकर बहुत सीरियस हैं। लगातार चाइना से बातचीत चल रही है इस इशू को लेकर, विजिट्स हो रही हैं और यहाँ पे इंडिया देख रहे हैं कहाँ पर वो कुछ जो सेक्टर हैं जहाँ पे यूएसए पीछे हट रहा है या फिर उनको पीछे हटाया जा रहा है टैरिफ की वजह से, वहाँ पर इंडियन कंपनीज आ जाएं। अब आप सोचेंगे कि क्या हम सच में यूएसए से कम्पीट कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर इंडिया को एक कमाल का एडवांटेज भी मिलता है। अब यहाँ पे जो कुछ नंबर्स आपको बताऊंगा वहाँ पे ध्यान देना। आज के टाइम में क्या है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी चाइना में कुछ बेचना चाहती है तो अपने आप उसकी जो कॉस्ट है चाइनीज़ मार्केट में टैरिफ की वजह से, ये 15-25% बढ़ जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स में ये 30% भी है। इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए ये सिर्फ 5% के आसपास रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बात यहाँ पर ये भी है, चाइना ने अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी दे रखा है, तो यहाँ पे इंडिया को एडवांटेज मिल गया। उस सब के अलावा ये तो खैर हमको पहले बात तो ये एक बड़ा एडवांटेज मिल गया, फिर इसके बाद इंडिया को टैरिफ में और छूट मिलती है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर। देखो एक बहुत ही पुराना ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके बारे में लोग भूल भी गए हैं कि इसका कुछ वजूद था भी, मगर बहुत ही अच्छा और पुराना ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर ये बहुत सारे देशों ने एग्री किया था एशिया पैसिफिक में कि एक दूसरे को 6-35% की ड्यूटी की छूट देंगे। इंडिया को यहाँ पर भी छूट मिलने वाली है, ये आप देख सकते हैं, ये है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। ये साइन हुआ था 1975 में, उस वक्त किसी का ध्यान भी नहीं गया इस पर क्योंकि इंडिया बहुत ही एक छोटी इकोनॉमी थी, चाइना आज जो चाइना बन चुका है उसके आसपास भी नहीं था, बाकी जो देश हैं मंगोलिया साउथ कोरिया ये भी अभी काफ़ी पिछड़े हुए थे, तो ये बस एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया। मगर जैसे ही ट्रेड वॉर यहाँ पे शुरू हो गई है तो इस ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इस एग्रीमेंट के अंडर जो प्रोडक्ट्स का मेंशन किया गया है वहीं पर यूएसए की कंपनीज को पीछे हटाया जा रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर इंडिया के लिए एक इन्विटेशन है और मैं कहूँगा इंडिया रिलेटिवली आसानी से ये वैक्यूम फिल कर सकता है बिकॉज ऑफ द एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये सब चीज़ें इतनी परफेक्टली हो रही है, इतने मैं कहूँगा परफेक्ट ऑर्डर में आगे बढ़ रही है कि इंडिया बिल्कुल पॉइज्ड है यहाँ पर एडवांटेज लेने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर अनाउंस किया कि हम टैरिफ लगाएंगे, यूएस ने अनाउंस कर दिया, उसके एक दिन बाद ही जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु जी, इन्होंने एक मीटिंग करी और मीटिंग में कहा कि हम अब और ज़्यादा एक दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ेंगे और ये जो हमारा एक टारगेट है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को डबल करना है 2025 तक, ये हम बिल्कुल बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनको भी यहाँ पर दिख रहा है कि इट इज़ अ क्लियर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। खैर ये तो हो गई ट्रेड की बात, इस ट्रेड वॉर में इंडिया को सस्ता तेल भी मिल सकता है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, देखो चाइना सबसे बड़ा बायर है यूएस क्रूड और गैस का एशिया में, दुनिया में नहीं कह रहा एशिया में। तो अब जैसे यहाँ पे ट्रेड वॉर शुरू हो गई है तो चाइना ने भी यहाँ पे यूएस ऑयल और गैस खरीदनी काफ़ी हद तक कम कर दी है, ये अपने आप जो यूएस की कंपनीज हैं उनको नुकसान पहुँचा रहा है। तो यूएसए को मार्केट चाहिए, उनकी कंपनीज को मार्केट चाहिए, तो मार्केट इस वक्त चाइना के अलावा सबसे बढ़िया रहेगी इंडिया,
और इंडिया को इस वक्त लुभाने के लिए यूएसए बहुत सारे अच्छे ऑफर भी दे रहा है। जैसे अभी बात चल रही है, ये अभी ऑफिशियल हुआ नहीं है, मगर बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा जा रहा है कि यूएसए की तरफ से ऑफर आया है कि जो शिपमेंट है वो काफ़ी हद तक कम रेट पे होगी, इंडिया तक जो कार्गो पहुंचेगा वो काफ़ी हद तक सस्ता होगा और यूएस उसमें काफ़ी हद तक सब्सिडी से प्रोवाइड करेगा एक तरीके से इंडिया को, और ओवरऑल जो ऑयल का रेट होगा वो भी काफ़ी हद तक चीप होगा। तो ये भी अब इंडिया के पास ऑफर आ गया है, इंडिया ने अभी इसको एक्सेप्ट किया नहीं है। ये देखना होगा कि इंडिया इवेंचुअली ईरान को बिल्कुल ही डंप कर देता है, जो इंडिया ने एक बार पास में कर रखा है, और यूएसए से ऑयल खरीदना स्टार्ट कर देता है, या फिर इंडिया जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, चाबहार पोर्ट को ध्यान में रखते हुए, यूएस का जो चीप ऑयल है वो नहीं खरीदता और ईरान से कुछ ना कुछ एक संबंध ना के रखता है। जो यहाँ पे ऑयल परचेज है 50% कम कर देता है, मगर फिर भी काफ़ी हद तक ऑयल खरीदना जारी रखता है। तो देखते हैं इवेंचुअली यहाँ पे होता क्या है, बट डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर में फ़ायदा बहुत ज़्यादा इंडिया, एक्चुअली इंडिया के साथ ब्राज़ील, इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज़ का होने वाला है, और ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, यूनिक ट्रेंड होगा इन द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल ट्रेड। खैर, इसी बात पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।